बट जो आज का हमारा मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में कितना बड़ा एक चुनावी मुद्दा है, इसका क्या असर पड़ेगा लोगों को, इन सारी बातों पर आज चर्चा हो रही है। लेकिन मेरा जो सवाल है कि जब बीजेपी के लीडर्स से ओल्ड पेंशन योजना के बारे में बात की जाती है तो उनका ये कहना होता है कि देखिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो एनपीएस के बदौलत या एनपीएस की वजह से कम होगा, लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट पर भार बहुत ज्यादा होता है। तो जहां तक ओल्ड पेंशन स्कीम की हम बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक ये बहुत ही एंटी पीपल मेजर है जिसको कि कांग्रेस कह तो रही है कि लागू करेगी, लेकिन ना कांग्रेस पे भरोसा किया जा सकता है और ना ही बीजेपी पर। सुनील जी धन्यवाद। नीलू जी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस के ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को कुछ भी देने के लिए अगर आप विचार करने की बात करेंगी तो किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कभी उस तरह का उत्साह नहीं दिखा, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है वो है गुजरात। गुजरात में पिछले 27 सालों से ये पार्टी शासन में है। आज आप गुजरात राज्य सरकार के कर्मचारियों की स्थिति के बारे में आप पता कर लीजिए। लोक सेवा आयोग के द्वारा चुने चयनित अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़ दीजिए अगर आप, तो बाकी किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से चयनित कर्मचारी को वहां कुछ समय तक लगभग 2 सालों तक निश्चित वेतनमान पर काम करने की मजबूरी है। हिमाचल में भी तीन साल तक। अब ये हिमाचल की स्थिति आप सुशील जी ने आपको बता दिया। अगर आप ये कहते हैं कि पेंशन योजना को कांग्रेस ने खत्म किया तो कांग्रेस तो कह रही है ना कि हम विचार करेंगे, आपने तो भी नहीं कहा। नंबर एक। नंबर दो, निजीकरण को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसको जाता है? बीजेपी। नहीं, और इसमें आरएसएस की बात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। जो भारतीय मजदूर संघ है उनके कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि ये एक रियलाइजेशन बीजेपी के अंदर भी है, आरएसएस के अंदर भी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर नहीं लागू किया गया तो ये बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है हिमाचल में ये चीज, लेकिन फिर भी आरएसएस की आवाजों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही। अगर कहीं किसी भी कारण से सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने की बात की जा रही है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उस पर विचार करें। अगर आप कर्मचारियों को पेंशन देते हैं तो कोई खरात नहीं बांटते हैं। वह कर्मचारी जो 60 वर्ष की उम्र तक आप यहाँ काम कर रहा होता है उसको आप उसको सामाजिक सुरक्षा देते हैं। आपको पत्रकारों को देना चाहिए, आपको कलाकारों को, किस बात के लिए राजसत्ता होती है? अगर राजसत्ता अपने जरूरतमंद व्यक्तियों, अगर आप 80 करोड़ लोगों को क्यों मुफ्त बीच खाना दे रहे हैं? इसीलिए तो दे रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणों से अपने जीविकोपार्जन के माध्यम नहीं जुटा पा रहा है महामारी की वजह से या अन्य कारणों से, तो आप उसको जीने का सहारा दीजिए। यही स्थिति तो यह है ना। बड़े पैमाने पर आप देखिएगा तो यह एक तरह का सामाजिक सुरक्षा है। और देखिए पहाड़ी राज्यों में सरकारी कर्मचारी बहुत माने रखते हैं, इसलिए माने रखते हैं कि पहाड़ी राज्यों चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो चाहे सिक्किम हो, वहां पे हर घर में सरकारी कर्मचारी है और आय का बहुत बड़ा स्रोत होता है पहाड़ में राज्य सरकार से वेतन पाने वाले लोगों। इसलिए सेना में, अर्धसैनिक बलों में, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में कर्मचारी बहुत पाए जाते हैं इन राज्यों में, इसलिए वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक चीज और जान लीजिए कि यह ओल्ड पेंशन योजना का मुद्दा लगभग हर राज्य में है, केंद्र सरकार में भी है। केंद्र सरकार भी कर्मचारी हड़ताल माने हल्ला गुल्ला करते हैं, मीटिंग करते हैं, करते हो करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को मैं पहला राज्य मानता हूँ जहाँ के कर्मचारी। सुनील जी, एक चीज और है, जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था आप मेरे साथ कई चर्चाओं में उसमें भी रहे हैं, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी ने भी ये मुद्दा उठाया था कि देखिए हम 22 लाख लोगों को ओल्ड पेंशन योजना लागू करके देंगे, लेकिन क्या हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो एक झंडा उन्होंने बुलंद किया था उसकी वजह से वो चुनाव तो नहीं जीत पाए। तो कैन ओपीएस रियली विन इलेक्शंस फॉर अ पार्टी? दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। मैंने कहा आपसे नीलो जी कि आप उत्तर प्रदेश से हिमाचल की तुलना मत कीजिए, और उत्तर प्रदेश में इसका असर, वो एक एग्जांपल है, वो एक एग्जांपल है क्योंकि वो 22 लाख समाजवादी पार्टी ने उस समय बनाया था। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप हार और जीत के क्रम में अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम को उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो आप कहीं कोई असर नहीं पड़ा।
लेकिन आप वो मैंने बैलेट जो वोट पड़े थे उत्तर प्रदेश में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला, सड़कों पर लोगों ने निकल करके कितना माहौल बनाया। अगर कोई अगर एक पार्टी अपने पिछले विधानसभा की तुलना में 3 गुनी ताकत बढ़ा लेती है तो क्या इन मुद्दों का बिना मुद्दों के असर क्या होता है क्या ये जी? और उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश की तुलना में हिमाचल में इसका असर बहुत ज्यादा दिखेगा आपको। इन कर्मचारियों का अनुपात रैलियां की सर, कर्मचारियों का अनुपात जो टोटल वोटर है उसमें कर्मचारी परिवारों का अनुपात ज्यादा है।